सोनकच्छ की काली सिंध नदी में इन दिनों जलस्तर लगातार कम होता जा रहा है, जिसके कारण गर्मी के दिनों में नगरवासियों को गहरे जल संकट का सामना करना पड़ सकता है, जिसे लेकर विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने निरीक्षण किया है। जानकारी के मुताबिक IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कंपनी बिना अनुमति के नदी से पानी की चोरी कर रही है। इसकी सूचना विधायक सज्जन सिंह वर्मा को मिली और वर्मा ने स्वयं कंपनी के प्लांट पर पहुंचकर निरीक्षण किया और मौके से ही देवास कलेक्टर को फोन कर चर्चा कर पानी चोरी करने वाली कंपनी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। साथ ही कंपनी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के लिए भी कहा है। कॉमर्शियल उपयोग के लिए पेयजल पानी की परमिशन नहीं दी जा सकती, ये अधिकारियों को पता है। उसके बाद भी भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने परमिशन दी। मैंने उस भ्रष्ट अधिकारी से भी बात की इरिगेशन के, और कलेक्टर देवास से भी मैंने बात की कि आपराधिक मुकदमा इस पे लगाया जाए, ऐसे अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें और कंपनी से बात करें कि तत्काल ये पानी नदी में पुनः छोड़ा जाए, नहीं तो जनता यहाँ की उलट पड़ेगी और उसका बड़ी विकट स्थिति का सामना करना पड़ेगा।